कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहे गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब है डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वै वंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंधनम। सोहम सुरति समापतम सकल समान नीरतल उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा। अथा है वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋदिदाता सोई। अवगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा धावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा धावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं अंदरों चरण पर शीशे। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरु देव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोभ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाओ। जो राखो तो ही रहो जो देव वो सोखो। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों पर शीस धरूं कहूं जो कहनी हो।
कबीर साई मिलेंगे पूछेंगे कुसलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हम को नाही। कबीर तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा तीन के हरदन सुनो। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। सूरत करो मम साइया, हम हैं बवजल माही, आपे ही बह जावांगे जो तुम ना पकड़ोगे बां। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के स्वामी कुल के मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर हैं। हम सभी प्राणी उसी परमात्मा की संतान हैं, उन्हीं की आत्मा है। हम सभी सतलोक में रहा करते थे, सचखंड में रहते थे, वहां पर ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहां पर है, लेकिन सतलोक की पृथ्वी पर वहां मृत्यु नहीं, पांच तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं, पांच तत्वों से बने हुए ये अन्य किसी पदार्थ नहीं, वहां एक तत्व से बना हुआ शरीर है, एक ही तत्व से बने हुए सभी वहां के अमृत आहार हैं। वहां जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, वहां वृद्ध अवस्था नहीं आती, ना कोई रोग उस एक तत्व के शरीर में कोई रोग भी नहीं लगता। हम सभी वहां रहा करते थे, हम अपनी कमजोरी के कारण सतलोक में जो हमने गलती की उसका दंड हमें ये मिला कि हम सतलोक से निष्कासित कर दिए गए। और अब हम अपने निज लोक में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया कि हम यहां एक कैद में बंद हैं, और यहां की जो कैद है, यहां की जेल है, ये 21 ब्रह्मांड इसके ब्लॉक हैं, 21 ब्रह्मांड की बनी हुई ये जेल है। हम एक जेल में एक ब्रह्मांड में बंद हैं, और उस ब्रह्मांड के भी एक टुकड़े पृथ्वी के ऊपर हम यहां कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं।
जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था रोग मानसिक तनाव और भी बहुत प्रकार की यहाँ पर यातनाएं हमें प्राप्त हैं। परमात्मा ने आकर के हमें बताया कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम सतलोक में रहा करते थे। सतलोक कैसा है? अभी तक बहुत से पंथ जो सचखंड सतलोक की महिमा सुनाते और गाते हैं और वो कहते हैं कि सतलोक के अंदर केवल प्रकाश ही प्रकाश है, वहां और कुछ नहीं है। वहां सतपुरुष, वो सतपुरुष भी कहते हैं, सतपुरुष को निराकार बताते हैं। और जीवात्मा जब यहां से जाती है तो वहां जो मोक्ष प्राप्त कर लेती है वो सतपुरुष के उस प्रकाश में समा जाती है, जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है। तो पुण्यात्माओं, ये सिद्धांत जो उन्होंने बताया ये बिल्कुल गलत है। एक तरफ तो कहते हैं सतपुरुष का वहां प्रकाश ही प्रकाश है और उस परमात्मा के नूर में ये आत्माएं समा जाती है। अब परमात्मा के बिना प्रकाश कैसा हुआ, सूर्य के बिना प्रकाश किसका होगा, ये विचारणीय विषय होता है। कोई ये कहे कि सूर्य निराकार है और उसके प्रकाश में प्राणी रहते हैं, तो ये भी गलत सिद्धांत है कि प्रकाश सूर्य के बिना हुआ कैसे, सूर्य बिना प्रकाश कैसा। सूर्य को निराकार बतावे तो आदमी ब्लाइंड हो सकता है और बुद्धिहीन ही कहेगा ये इस तरह की व्याख्या। तो ऐसे ही इन पंथों की व्यवस्था है, इनका ज्ञान बिल्कुल गलत है, शास्त्र के विरुद्ध है, यथार्थता के विरुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है कि सतलोक के अंदर पूरी सृष्टि है। वहां परमात्मा ने सबसे पहले अपने वचन से 16 द्वीप बनाए, उसके बाद परमात्मा ने 16 पुत्रों की उत्पत्ति की एक ही वचन से। उसके उपरांत परमेश्वर ने हम सभी को वहां, सभी आत्माओं को अपने ही वचन से, अपने ही शरीर से उत्पन्न किया और हम वहां रहा करते थे। वहां से फिर हम यहां गिरे अपनी गलती से। तो परमात्मा साकार है, सशरीर है और उसका वास्तविक नाम कबीर है। वो कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर यहां आए, अपने यथार्थ ज्ञान को बताया, अपनी यथास्थिति से परिचित कराया और एक अमृत ज्ञान कबीर वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी हमें लिपिबद्ध करवा के दे गए। उस परमेश्वर ने हमें आकर के यहां समझाने की चेष्टा की कि तुम जिस लोक में रह रहे हो ये लोक आपका नहीं है, ये आपका ठिकाना नहीं है, आप सतलोक में रहा करते थे और वहां से यहां आकर के तुम कितना कष्ट उठा रहे हो। कोई पशु बिना है, कोई पक्षी बिना है, मनुष्य जीवन में भी आप बिल्कुल सुखी नहीं हो। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृत वाणी में हमें समझाने की चेष्टा की है, मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख के सागर को डिफाइन करते हैं, सतलोक को सुख सागर कहा है। सतलोक का अर्थ होता अविनाशी स्थान, अविनाशी धाम, इसको शाश्वतम स्थानम गीता जी 10:18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और परमेश्वर है,
परमेश्वर का अर्थ होता है परम ईश्वर, ईश्वर से भी परम। तो कहते उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को तथा शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम। शाश्वतम स्थानम का अर्थ होता है जो सदा रहने वाला स्थान हो, उसको प्राप्त होगा। अपुण्यात्माओं, हम गीता जी को पढ़ा करते थे, प्रतिदिन उसका स्वाध्याय भी किया करते थे, लेकिन पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी के गूढ़ रहस्यों से हम परिचित नहीं थे। परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान से उस अज्ञान का मोतियाबिंद हट गया, ऑपरेशन हो गया, और अब हम परमेश्वर की रोशनी से, परमेश्वर के ज्ञान की रोशनी से हम इन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को ढूंढने में सफल हुए। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ये काल है, इसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके प्रेत की तरह ये ज्ञान बोला, और परमेश्वर कबीर जी ने इस ज्ञान का पहले ही जो है अनुवाद सही किया हुआ था, पहले ही बता रखा था, लेकिन हम समझ नहीं सके क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, और जो संस्कृत भाषा जानने वाले थे वो एक ही वर्ग था और अन्य को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिस कारण से परमेश्वर ने जो ज्ञान कहा था 600 वर्ष पूर्व उसको उन अज्ञानी ऋषि महर्षि और गुरुओं ने हम तक नहीं आने दिया, हमें ये कहकर के मिसगाइड किया, भ्रमित किया कि कबीर अशिक्षित है, कबीर जी को संस्कृत भाषा नहीं आती है, पवित्र वेद और पवित्र गीता, पवित्र 18 पुराण ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं, इसलिए कबीर जी सदग्रंथों को नहीं जानते और हम जो कह रहे हैं वो नकली गुरु ब्राह्मण कहा करते कि हम जो बता रहे हैं ये सत्य है। तो उस समय तो उनका दाव लग गया और वो पूरे विश्व को यानी पूरे मानव समाज को, हिंदू समाज को इन नकली गुरुओं ने भ्रमित कर दिया। आज परमात्मा के द्वारा दिया गया वही ज्ञान सभी सदग्रंथों से मेल खाता है और पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण, परमात्मा के द्वारा बताए गए उस 600 वर्ष पूर्व ज्ञान के समर्थक हैं। अब इनसे हमें क्या लाभ होगा कि हम परमात्मा को पहचान सकेंगे, हम उस परमात्मा के पाने की विधि का भी निरीक्षण कर सकेंगे, और अब हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ अनुवादित हैं, अनुवाद भले ही उन्होंने किया है जो संस्कृत भाषा के जानने वाले हैं, फिर भी गूढ़ रहस्य ऊपर आए हैं, उन्होंने बहुत सी कोशिश की है अपनी अधूरी सोच से उन सदग्रंथों के अनुवादों में गड़बड़ी करने की, लेकिन परमात्मा के ज्ञान से आज हम उनको, उनके द्वारा किए गए उस अनर्थ को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द को इन्होंने अति उत्तम अर्थ कर दिया, किन्होंने, जिन्होंने गीता जी का अनुवाद किया हुआ है इस दास से पूर्व, उनकी बुद्धि यहां तक अड़ी रही कि ये परमात्मा अपने से और किसके विषय में कह सकता है और अपनी साधना को अनुत्तम नहीं बता सकते, इसलिए अनुत्तम का अर्थ उन्होंने अति उत्तम कर दिया, जहां से पूरी गीता का भाव ही बदल गया। अगर यहां वो अनुत्तम का अर्थ अनुत्तम लिख देते यानी व्यर्थ लिख देते, घटिया लिखते, तो पाठकों की जिज्ञासा बढ़ती कि भी परमात्मा ने, भगवान ने जो गीता बोल रहा है
उसने अपनी साधना को अनुत्तम क्यों बताया? फिर वो उत्तम साधना कौन सी है? जब इन्होंने अनुत्तम का अर्थ ही अति उत्तम कर दिया तो श्रद्धालु पाठक पाठक इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दे सके अपने दिमाग पर, उन्होंने यही मान लिया अनुत्तम माने अति उत्तम ही होता होगा, क्योंकि परमात्मा अपने से अतिरिक्त किसके बारे में अनुत्तम कहे? यह बात न्यों बिगड़ी। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञान दाता कहता है, अर्जुन यदि तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है तो सर्वधर्मान प्रीतज्माम, मेरे सत्र की जो साधना है तूने की है, उन सभी धर्मान यानी धार्मिक पूजाओं को प्रीतज्माम मेरे में छोड़ दे, मुझ में छोड़, मुझे दे दे एकम शरणम व्रज। फिर एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय। फिर उस एकम माने अद्वितीय यानी उस परमेश्वर की शरण में व्रज माने जा। सर्व धर्मान परितज्माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि सभी मेरे सत्र के जितने भी धार्मिक अनुष्ठान तूने किए हैं कौन कौन से हैं? ब्रह्म सत्र के ब्रह्म कहो चाहे काल कहो, ब्रह्म सत्र के जो साधना है ओम नाम का जाप है, और ये पांचों यज्ञ हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान। इन पांचों यज्ञों का जो अनुष्ठान है और साथ में ओम नाम का जाप है, ये ब्रह्म तक की पूजाएं हैं, धार्मिक साधनाएं हैं। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये जो जैसे हम तीन नाम का जाप जपते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत् सत् इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद गण ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का ओम तत् सत्, ये तीन मंत्र का, इस तीन नाम के जाप का निर्देश कहा है। तीन प्रकार से इसकी विधि, तीन प्रकार से इसका जाप है, तीन प्रकार से इसकी साधना की विधि है, और ये है उस परमात्मा के पाने का अनुष्ठान जप। अब उसमें ओम नाम तो क्लियर है, ये ब्रह्म का जाप है, और तत् और सत ये सांकेतिक शब्द हैं। ये तत् जो मंत्र है ये परब्रह्म का जाप है, अक्षर पुरुष का, और ये गुप्त है, सांकेतिक है, ये दास बताएगा, तत् नहीं। तत् तो एक संकेत है, उसका कोड वर्ड है, और वास्तविक मंत्र कोई और है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा है गीता ज्ञानदाता ने, अर्जुन ने पूछा था 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि अर्जुन हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत् ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है तो वो तत् ब्रह्म कौन है, क्या है? उसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये सत जो मंत्र है ये परम अक्षर ब्रह्म का है। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि तूने उसकी शरण में जाना है तो ओम नाम का जो जाप और पांचों यज्ञ ये मुझे मुझ में छोड़ दे, सर्वधर्मान प्रीतज माम मेरे सत्र की जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं वो मुझ में छोड़। एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सर्वशक्तिमान, उस एकम उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में व्रज माने जा।
और इन सभी अनुवादकर्ताओं ने गीता जी का जो अनुवाद इन्होंने किया इस दास से पहले, उन्होंने सबने व्रज माने आजा कर दिया आना, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। तो ऐसे उन अज्ञानियों ने भले ही सदग्रंथों के अनुवादों में कुछ अनर्थ किए हैं, लेकिन हम परमेश्वर के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से हम उनके द्वारा किए गए अनुवादों के अनर्थों को भी अब ठीक शुद्ध करके हम इन पवित्र सदग्रंथों को अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। पुण्यात्माओं, ये इतने मजहब बन गए, भिन्न भिन्न प्रकार के पंथ बन गए, भिन्न भिन्न प्रकार के ये समुदाय बन गए, ये किस कारण से बने? क्योंकि हम परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं हुए, और जब तक मानव समाज स्वयं परिचित नहीं होगा तब तक अज्ञानी संत महंत, ये नकली महर्षि ऋषि गुरु ब्राह्मण, ये हमें भ्रमित करते रहते हैं। जब हमें कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा, कंप्लीट ज्ञान होगा, पूर्ण ज्ञान होगा इस भगवान के बारे में, फिर हम किसी से भ्रमित नहीं होंगे, तभी हमारी भक्ति प्रफुल्लित होगी। अन्यथा हम ठीक भक्ति करते हुए किसी दूसरे के द्वारा भ्रमित होकर के उस मार्ग को त्याग कर हम कुमार्ग पर चल पड़ते हैं। जैसे मार्ग में रास्ता वे, तो हमने जाना चाहिए था अपने मार्ग पर, लेकिन रास्ते में किसी ने बता दिया कि ये रास्ता तुम्हारे घर नहीं जा रहा, ये तुम्हारे नगर का नहीं है, वो तो इधर जाइए। तो उस नालायक ने आप जी को गलत दिशा दे दी और आप अपने घर ना जा करके विपरीत दिशा में बहुत दूर चले गए। अब सभी पंथों के जितने भी श्रद्धालु हैं वो परमात्मा पाने के लिए ही वो उन गुरुओं के पास गए हैं, लेकिन वहां जाकर के वहां सभी एक ही जैसा विचार रखते हैं, तो फिर किसी को कोई शंका नहीं होती। अब वो साधना गलत कर रहे हैं, अर्थात वो परमात्मा के पाने वाले मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, उनका मार्ग गलत हो चुका है। उनसे प्रार्थना की जाती है कि आप जी गलत साधना करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। तो वो भोली आत्माएं क्या कहती हैं कि हमने 30 वर्ष हो गए ये पूजाएं करते, अब हम इनको कैसे त्यागें, हमारा तो जीवन ही चला गया। तो उनसे प्रार्थना है कि जैसे आप जी हिसार से दिल्ली जाना चाहते हो, हिसार शहर से दिल्ली जाना चाहते हो, और आपको किसी ने गलत मार्ग दर्शन कर दिया और आप पटियाला पहुंच गए, अब पटियाला से आगे संगरूर पहुंच गए, संगरूर पटियाला इस साइड में पहुंच गए, आप लुधियाना तक पहुंच गए। अब वहां कोई आपसे कहे कि भी आप कहां जा रहे हो, आप कहते हो हम दिल्ली जा रहे हैं, इधर दिल्ली जाने का कौन सा रास्ता, आप तो लुधियाना जा रहे हो, कहां से आए हो, हिसार से। अब उनसे कोई कहे कि दिल्ली तो बैक जाना पड़ेगा आपको, बहुत गलत आ गए, बहुत दूर आ गए। अब वो व्यक्ति ये कहे कि हम इतनी सफर करके आए हैं 200 किलोमीटर, अब इसको कैसे छोड़ दें, हम वापस कैसे जाएं, क्यों जाएं, हमने तो बहुत सफर कर लिया, वो सफर ही गलत कर लिया, उसको से तो वापस होना ही पड़ेगा, तभी आप दिल्ली पहुंच पाओगे। ठीक इसी प्रकार जो श्रद्धालु जो साधना कर रहा है, चाहे वो 10 वर्ष से कर रहा है, चाहे 20 वर्ष से कर रहा है, चाहे 25-30 से कर रहा है, यदि वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, अपने घर जाने का रास्ता है ही नहीं, उसको त्यागना ही श्रेयकर है, और उसको त्याग कर वापस ही आना पड़ेगा, अन्यथा दूरी बढ़ती चली जाएगी।
फिर समस्या आती है कि गुरु को बदलना नहीं चाहिए, गुरु एक ही होता है जीवन में। नहीं, ये भी धारणा ठीक नहीं है, ये भी अज्ञानी लोगों ने बना रखी है। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक। दूसरा समझिए कि हम जन्म मरण के दीर्घ रोग से ग्रस्त हैं और गुरु एक वैद्य होता है, और जिन गुरुओं के पास, जिन वैद्यों के पास तुम ट्रीटमेंट आप जी करा रहे हो, उन्होंने जो आपको विधि बताई है भक्ति की, अर्थात जो आपको ट्रीटमेंट दिया है, वो गलत है, तो उस डॉक्टर को त्याग देना उचित है। इसी प्रकार गुरु को त्यागना, जो जिनके पास मोक्ष मार्ग नहीं है, उस गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए, चाहे आप वहां 20 वर्ष से हो चाहे 40 वर्ष से हो, क्योंकि शेष गया जीवन तो आपका सुधर जाएगा, शेष बचे हुए श्वास तो आपके भगवान के लेख आएंगे। पुण्यात्मा, पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में किसी के पास भी यथार्थ ज्ञान नहीं है, और कुछ एक कबीर परमेश्वर जी की वाणी को पढ़कर सतलोक आदि संस्कृत की थोड़ी बहुत महिमा गाते हैं, तो उनके पास साधना ठीक नहीं है, उनकी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं है, उनका ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, तो उसको त्याग देना चाहिए। वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में कोई भी इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, और उसको ये यथार्थ मंत्र देने का अधिकार नहीं है जो दास को है। तो समझदार को संकेत बहुत होता है, इतना ही काफी होता समझने के लिए। परमेश्वर कबीर जी हमें आकर बताया करते थे, समझाया करते थे कि तुम गलत स्थान पर आ गए हो, आप सतलोक के रहने वाले हो, आपकी वहां जन्म मृत्यु नहीं होती थी। पुण्यात्माओं, हम यहाँ कितने दुखी हैं, कितना ही कष्ट हो जाए शरीर में किसी रोग के कारण, या कितनी ही टेंशन बनी हो, कितना ही वृद्ध व्यक्ति हो, और चाहे एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसके 4 पुत्र थे, 4 की मृत्यु होगी, कोई आगे संतान उनको नहीं थी, तो ऐसे सभी व्यक्ति कोई भी मृत्यु नहीं चाहता। अब जैसे एक वृद्ध व्यक्ति है, चला जाता ना बैठा जाता, आंखों से दिखाई नहीं देता, एक को कोड लग गया है, किसी की दोनों टांग कटी हैं, किसी के दोनों हाथ भी कटे हैं, तो पुण्यात्माओं, कितना ही वृद्ध हो जाए, कितना ही पीड़ित हर रोग से, सभी जीवन चाहते हैं हमारा जीवन बना रहे, और यहां जीवन ना तो किसी का रहा है और ना ही किसी का रहेगा, और फिर भी हम मरना नहीं चाहते, हम सहर्ष मौत स्वीकार नहीं करते। कारण क्या है कि हमें ये मरना गंवारा नहीं है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम ऐसे लोग से आए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी। हमें बुढ़ापा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां वृद्ध अवस्था नहीं होती। देखा होगा बड़े बड़े राजनेता बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं युवा बना रहने के लिए, और बालों में काला पॉलिश लगाते हैं युवा दिखने के लिए। ये मन की वृत्ति है, ये आत्मा स्वीकार नहीं करती वृद्ध होना, आत्मा स्वीकार नहीं करती मृत्यु होना, क्योंकि ये ऐसे लोक में रहा करते थे जहां ना मृत्यु होती थी ना वृद्ध अवस्था आती थी। पुण्यात्माओं, हम यहां महादुखी हैं, और इतने दुखी हैं कि हम एक दूसरे को देखकर ही राहत महसूस कर लेते हैं। एक समय एक व्यक्ति के 3 लड़के थे, उनमें से 2 की मृत्यु होगी,
और उनके वहां सांत्वना व्यक्त करने आए हुए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था पहले। तो जिसके तीन पुत्रों में से दो की मृत्यु हो चुकी थी, उसको सांत्वना देने आए हुए व्यक्ति ये उदाहरण देने लगे कि देख भाई, आपका तो एक पुत्र तो बच गया, इस बेचारे का देखो एक इकलौता पुत्र था और वही प्रभु को प्यारा हुआ। तो जिसके दो पुत्र मर गए, एक शेष बचा हुआ है, उसने राहत की सांस ली, उसने अपने आप को सुखी मान लिया इस दृष्टिकोण से कि भगवान शुक्र मेरा एक तो जीवित है, इसका तो एक था वही मर गया। अब ये राहत उसने महसूस तो कर ली, क्या वो दोनों पुत्र जीवित हो गए? ये क्या राहत मिली उसको, क्या सुख हुआ? जिस दुख से वो पीड़ित था वो दुख तो एज इट इज है, परंतु हम दूसरे से तुलना करके अपने आप को उससे कम दुखी मान लेते हैं और इसको सुख कहते हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन बोधे, ये सकल च बिना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। हे परमात्मा, अब क्या बताते हैं कि इस झूठे सुख ने सुख मान रहा है, अरे ये मान रहा मनमोद, एक पुत्र हो गया 10-12 वर्ष के शादी के उपरांत, 10-12 वर्ष शादी को हो गए थे, विवाह को, तब उनके पुत्र की प्राप्ति हुई, खुशी मनाई, आसपास के 10-12 गांवों को बुला करके उनको पार्टी दी, बैंड बाजे बजवाए, खूब मंगल गीत गाए, और एक वर्ष के बाद वो पुत्र मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब टक्कर मार रहा वो परिवार, बुरी तरह रो रहा है, इकलौता पुत्र 12 वर्ष में होया था, वो मर गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं क्या मांगो, कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के अजदी वन बाती। आप जी तो एक ही पुत्र से इतनी खुशी मना रहे हो और भूल गए भगवान को, उद्देश्य भूल चुके हो तुम, एक ही बच्चे को उसकी परवरिश के लिए, उसी को प्रसारण डाइवर्ट कर दिया, कमाई दहा सब कुछ उसी पर लगा रहे हो, सोचते हो मेरा बच्चा जो है ना मुझे सुख देगा, आगे चल के पता नहीं क्या बन जाएगा। एक व्यक्ति का इकलौता पुत्र और उसने HCS कर ली, HCS, और उसके SDM लगने के अपॉइंटमेंट भी आ गई और उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। जिस बच्चे को 16-17 वर्ष पढ़ाया, सारा जीवन उस व्यक्ति ने अपने बच्चे की परवरिश और उसकी शिक्षा और उससे फिर मिलने वाले प्रतिफल पर आश्रित होकर कि मेरा बेटा SDM लगेगा और फिर मुझे सुख होगा, वो लड़का ही मर गया। अब परमात्मा कहते हैं तुम अपना ठीक है, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ और होना जाना वही है जो उसके प्रारंभ में है, जब तक आप परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते, लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति को क्यों कम कर दिया आपने, वो नागा नहीं करनी चाहिए थी। इसका सारा कुछ उदाहरण देने का एक ही जो है उद्देश्य है दास का, और यही परमात्मा ने आके बताया था कि जो क्रिया तूने मनुष्य जीवन में करनी चाहिए थी वो ना करके केवल तू यहाँ के संसारिक धंधे में उलझ गया, इसके साथ साथ परमेश्वर को याद कर, और फिर तेरे परिवार में भी सुख रखेगा, तेरे घर में भी सुख रहेगा, तेरे बच्चे भी सुखी रहेंगे, उनको भी परमात्मा के नाम पर लगा, और उनकी कोई ऐसे मृत्यु का संयोग आना है प्रारब्ध में उनके आगे जीवन नहीं है तो भी, ये परमेश्वर कबीर जी यदि आपके बच्चे भक्ति पर लगे हुए हैं, भक्ति के उद्देश्य से उनके जीवन को
उनके जिंदगी को बढ़ा देता है, आयु वृद्धि कर देता है, लेकिन करता उन्हीं की है जिनकी सच्चे दिल से परमात्मा के भजन के लिए ही डिमांड हो, एक्सटेंशन ऑफ लाइफ की। तो हम अपने बच्चों को भी भगवान की भक्ति में जोड़ें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें कि बेटा मिलेगा किस्मत, आपका भाग्य मिलेगा, और यदि तेरे भाग्य में कर नहीं है तो भी इस भक्ति से, कबीर परमेश्वर की कृपा से आपको वस्तु अवश्य मिलेगी जिसकी तुझे आवश्यकता होगी, जो परमात्मा महसूस करेंगे कि इस बच्चे को इस चीज की आवश्यकता। तो इस प्रकार हम परमात्मा से दूर हो गए, इसलिए ये सब उदाहरण दिए जा रहे हैं क्योंकि आत्मा संसार में रहते हैं, हमारी प्यारी आत्माएं परमात्मा की उपदेश भी ले लिया है, लेकिन समाज के लोगों में और भक्तों में दिन और रात का अंतर होता है। जहां भी एक भक्त जाता है रिश्तेदारी या किसी और मित्र प्यारों के पास, तो वहां उसने को क्या सुनने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है जो परमात्मा के मार्ग से विपरीत है, और जिसको हम पहले भी कर रहे थे, तो अब भी ये मन उस मार्ग को तुरंत स्वीकार कर लेता है। और यदि आप सत्संग में नहीं आओगे, घर पर भी विचार नहीं करोगे, सत्संग सीडी नहीं सुनोगे, तो संसार की उस भूल भुलैया में तुम फिर भी भूल जाओगे, भ्रम जाओगे। इसलिए सत्संग में आते रहने से ये परमात्मा का मार्ग ताजा बना रहता है और संसार का रंग आप पर नहीं चढ़ेगा। इसलिए परमात्मा ने आकर के ये ज्ञान दिया और हमें बताया कि तुम जहां रहते थे उस स्थान को छोड़ आए हो जो जहां पर ये सुख था, या तुम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो। रावण के 100,000 पुत्र थे, 125,000 रिश्तेदार थे, एक से एक महाबली, बड़ा सेठ साहूकार, और सत भक्ति ना करने से, हालांकि रावण भी भक्ति करता था और इष्टमोगुण भगवान शिव का पुजारी था और इतनी साधना करता था कि आज का कोई व्यक्ति शिव जी की ऐसी पूजा नहीं कर सकता, उसके उपरांत भी उसको क्या मिला, सर्वविदित है। परमात्मा यही कहना चाहते हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे न यतीनु तापम। अब रावण ने क्या साधना की थी, खड़ा होकर के एक पैर पे काफी देर तक कैलाश पर्वत पे बहुत समय तक साधना की भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और अपना यहां से गर्दन भी काट दी 10 बार 10 बार भगवान शिव ने वापस भी दे दी। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए थी वो ज्ञान रावण को प्राप्त नहीं था। उसने उस झूठे गुरु पर विश्वास किया जिसने वेदों में शिवजी को सर्वोपरि भगवान बता दिया, तमोगुण शिव को, और रावण ने अपने गुरु के वचनों पर विश्वास किया और उसके आधार से दृढ़ साधना की, लेकिन फिर भी दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो यहां बताना चाहते हैं परमात्मा के रावण के 100,000 पुत्र थे, सत साधना ना करने से उस रावण का कोई ज्योति जगाने वाला नहीं रहा, यानी कुल नाश हुआ। 60,000 पुत्र राजा सगड़ के थे, सत साधना ना करने से कपिल मुनि के श्राप से 60,000 नष्ट हुए। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस संसार में क्या सुख चाहते हो, तुम पुत्रों का सुख मान लिया, पुत्रियों का मान लिया, ये तो तुम्हारा संस्कार है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़े एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। इन सब उदाहरणों को देकर के परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर,
जा शब्द सिंधु रत्नागर मन तू चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंधु रत्नागर मन तू बस रे सुख के सागर। बस माने वहां निवास कर। कहां सुख के सागर? कौन सा सुख सागर? सतलोक अमरलोक जहां से हम आए हुए हैं। और वहां जाने के बाद ना तेरी मृत्यु होगी, ना वृद्धावस्था आवेगी, ना कोई रोग तुझे सतावेगा। वो सुख सागर कैसा है इसका एक उदाहरण देते हैं, इसको डिफाइन करना है। शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे पुणात्मा एकाध बार कभी कभी महीने 20 दिन में अपने आप जब एकांत में बैठे हो ऐसी अंदर से हिलोर उठती है जैसे पूरा विश्व अपना सा लगता है, कोई शत्रु भी शत्रु महसूस नहीं होता, तो वो मेहर की लहर आई थी। बहुत आनंद होता है, उस आनंद का वर्णन किया नहीं जा सकता जो उस समय होता है, लेकिन वो होती है अक्षणिक, थोड़ी सी देर रहता है, उसके तुरंत बाद वही बातें वही विचार वही उठा पटक शुरू हो जाती है। ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, वो नुकसान हो गया, वो फलाना हो गया, उसको ऐसा करूंगा। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि वहां सतलोक के अंदर ये कहर की लहर रही है, जो हर समय है हमारे साथ जो कहर की लहर रहती है या अर्थात या टेंशन बनी रहती है। जिसके पास धन नहीं है वो तो वैसे ही दुखी, क्योंकि जो भक्ति नहीं करते उनके विचार दी उनके विषय में कहा जा रहा है, और जिनके पास धन है वो महादुखी, जिनके संतान नहीं है वो दुखी, और जिनका संतान है वो महादुखी। लेकिन हम दुख की डेफिनेशन भूल चुके हैं। अभी आपको बताया था हम इसी तरह एक दूसरे को देखकर राहत महसूस करके इसी को सुख मान रहे हैं। इस 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं, सपने में भी सुख नहीं है प्राणी को, जागृत में तो होना ही कहा। तो यहां परमात्मा बताते हैं शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जहां पर शंख नील पदम शंखों सदा ही सुख आनंद ही आनंद, और सुख का सागर जैसे समुद्र होता है उसमें जल ही जल दिखाई देता है। जब समुद्री जहाज 100-200 किलोमीटर चला जाता है उसको आसपास कुछ भी वहां उसमें यात्रियों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, नजर जाती है जल ही जल दिखाई देता है। ऐसे ही सतलोक के अंदर दुख नाम कहीं ढूंढने से भी नहीं है, देखने को भी नहीं है, ऐसे वो सुख सागर है। वहां जाने के लिए क्या कहा है परमात्मा ने, वहां चलने के लिए क्यों कहा है, उसकी एक झलक बताई है। कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूम लिया मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्म राया, विष्णु नाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मर्त्या हो गए जीवित क्यों न मर रे, द्वादश मद महल मठ बोरे बहुर न देह धर रे।
दोजक बहिष्ट सभी तै देखे राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति झा चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसी वाणी है परमात्मा की महिमा की, यदि आप जी इसको गायत्री मंत्र की तरह, जैसे हमने पहले यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 को गायत्री मंत्र मानकर उसका रोज पाठ कराया करते, बार बार पढ़िया करते, अर्थ का पता नहीं था ये क्या है इसका अर्थ, और इन अनाड़ियों ने, अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने इस परमात्मा के वचन के आगे ओम अक्षर और जोड़ दिया, वो नहीं लगाना चाहिए था, ओम अक्षर इसके साथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये भूर भव सव तत् सवितुर विरेणियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो योन प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है ये पूर्ण परमात्मा की महिमा का है, परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की, और ओ मंत्र है ये ब्रह्म का। ब्रह्म को समझो मुख्यमंत्री उदाहरणार्थ, और परम अक्षर ब्रह्म को समझो प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री की महिमा करते हुए उनको मुख्यमंत्री कहें तो प्रधानमंत्री आपसे खुश नहीं होगा, आपसे नाराज होगा, और भी ये कहेंगे कि ये मूर्ख बुद्धू है, इसको ये ही नहीं पता कि तू प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बोल रहा है। यानी इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 3 के साथ ओम नाम का उच्चारण करना प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री संबोधित करना मात्र है, ये नहीं करना चाहिए। तो इस गायत्री मंत्र को पहले पढ़ा करते थे। गायत्री का अर्थ होता है जो गायन, परमात्मा के विषय में जो गायन है उसको, उसकी महिमा का गुणगान करना गायत्री बोलते हैं। तो उस तरह जैसे हम उसका रट्टा लगाते थे उससे मोक्ष नहीं था, केवल एक धार्मिक अनुष्ठान धर्म यज्ञ का लाभ मिलता था। तो वो तो है ही भगवान की महिमा का, वो तो मंत्र अलग है, वो तो एक ये जानकारी दे रहा है कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, भगवान स्वयंभू है, वो तीनों लोकों से पार है, इसका ऐसा विवरण है, ऐसा उसका अनुवाद है। अब वो परमात्मा जिसका गायत्री मंत्र, जिसको वेदों में वर्णन है, वो मिला कैसे वो परमात्मा? तो हम जैसे वो गायत्री मंत्र रट्टा करते थे उसके भावार्थ से भी इतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता था, सुना सुनाया करते। ऐसे कहने का भाव यह है कि ऐसे इस मंत्र को, ऐसे इस वाणी को जो दास ने अभी आपको सुनाई है, इसको याद रखो, एक बार दिन में अवश्य इस बात पर विवेचन कर लो कि कोट जन्म तन भरमत होगे, परमात्मा कह रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास साहेब जी को अपने से परिचित करवाया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। उसके पश्चात आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने, जो गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा में जिनका जन्म हुआ था, और यहीं पर छुड़ानी गांव में कबीर परमेश्वर आकर उन्हें मिले थे खेतों में जंगल में, तो जो परमेश्वर को उन्होंने जाना पहचाना, उनकी जो महिमा से परिचित हुए, सचखंड में देखा, उसके उपरांत
गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को इस प्रकार बताया। कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बगारे, कुत्ता गधा सुअर और ना जाने कितने अन्य पशु पक्षियों की शरीरों में तू कष्ट उठाया तूने। क्यों? क्योंकि आपको तत्व ज्ञान ना मिला, यथार्थ भक्ति मंत्र नहीं मिला, परमात्मा के पाने की साधना ठीक ना मिली, जिस कारण से आप अभी तक भटक रहे हो। और इस संसार में चाहे आज कोई प्रधानमंत्री बना है, चाहे राष्ट्रपति बना है, और चाहे पूरा पृथ्वी का पति बना है, वो प्राणी अपने पूरे जन्मों के संस्कारों से ही आज वो अपने पुण्यों को वहां प्राप्त कर रहा है। और जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे, वो ना प्रधानमंत्री बन पाएगा, ना वो कोई मुख्यमंत्री बन पाएगा, ना राष्ट्रपति रहेगा। और सत भक्ति ना करने से नेक्स्ट जीवन में, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब होवे, मिट्टी लदे कुमार के घास न डाले कोई। अब पुण्यात्मा, जब राजा भी गधा बनेगा यानी पशु योनि में जाएगा, जिसको हम सुप्रीम पावर मानते हैं, तो अन्य जनता का क्या होगा? इन उदाहरणों से हमने प्रमाण लेना चाहिए और शिक्षा लेनी चाहिए। इन प्रमाणों से परमात्मा हमें यही बताना चाहते थे कि जब राजा ही पशु बनेगा तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी, तुम्हारी क्या औकात है, क्या बुनियाद है। और जो ऋषि महर्षि साधना किया करते थे, वो साधना गलत थी, उनकी सही नहीं थी, मोक्ष मार्ग नहीं था, वो भी पार नहीं हुए, वो भी यही 84 लाख योनियों में रहे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि को भी 84 लाख योनियों में भटकना पड़ा, गधा बना पजावे खरवो। पजावा होता है कि जहां पर ये कुम्हार लोग ईंटें पकाते हैं, और वहां वो ईंटें पकाने में जो ईंधन प्रयोग होता है, उससे जो राख बनती है, उसको कहीं और नहीं उठा कर ले जाता कुम्हार, नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर ही और अपना वो पकने के लिए ईंटें वो व्यवस्था करता है। उसको पजावा, वो धीरे धीरे बहुत ऊंचा हो जाता है, 20-20, 30-30, 40-40 फुट ऊंची उसको राख का ढेर बनता चला जाता है। तो गधा बन करके कहते हैं सुखदेव, ऋषि थे सुखदेव जी, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावा खरवो, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाया उस ऋषि सुखदेव जी ने, और बना पजावे खर, वो खर माने गधा, उस पजावे पर खर बना, गधा बना, और वहां कष्ट उठाया, इट्टें ढोई। तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़ वो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888-0541।